नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। दिन दहाड़े छात्र का अपहरण। प्रयागराज शहर में सिविल लाइन क्षेत्र से दोपहर कार सवार चार युवक ने 11वीं के एक छात्र को अगवा कर लिया। पुलिस को जानकारी हुई तो धूमनगंज और करेली पुलिस ने घेराबंदी कर दी, जिस पर चौकिया के पास छात्र को छोड़कर अपहरणकर्ता भाग निकले। पुलिस छात्र से पूछताछ कर रही है। अभी तक एक दोस्त से विवाद की बात सामने आ रही है। कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर का रहने वाला हाशिम IPEM इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 11 का छात्र है। मंगलवार दोपहर वह स्कूल के पास खड़ा था, उसी समय कार सवार चार युवक आए और उसे धक्का देते हुए वाहन में बैठा लिया। उसने मदद की आवाज़ लगाई तो आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े। यह देखकर अपहरणकर्ता उसे लेकर भाग निकले। दिन दहाड़े अपहरण की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में धूमनगंज और करेली पुलिस को अलर्ट किया गया। कार सवार पीपल गांव की तरफ पहुंचे तो पुलिस की घेराबंदी देखकर गाड़ी मोड़ दी और हाशिम को चकिया के पास छोड़कर भाग निकले। छात्र ने बताया कि कार में उसके साथ मारपीट की गई है। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि लड़के का एक दोस्त से कुछ विवाद हो गया था, जिस पर उसने अपने बाहरी साथियों को बुलाकर उसे अगवा करवाया था। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला लड़का, जैसे ही वो स्कूल से बता रहा कि बाहर निकला तो वहाँ पे क्रेटा सफ़ेद रंग की सवार, उसमें एक उसके बताए अनुसार एक अली अहमद था और उसके साथ तीन लोग और थे, जिसको कार में बैठा लिए और ले आकर के तत्काल सूचना मिली पुलिस को। चारों तरफ से घेराबंदी और चेकिंग शुरू कराई गई थी, जिसका परिणाम रहा कि चौकिंग चार पीपल गांव दामूपुर में चेकिंग कर रहा था, उसको आगे से पुलिस को देख करके उसके लड़कों को वहाँ पर उतारा और कार लेके भाग गए। अभी लगातार टीमें रवाना है, उसमें एक व्यक्ति जो अली अहमद उसमें शामिल था, अभी हिरासत में मिल गया है वो, और उससे पूछताछ भी की जा रही है। जो आरंभिक पूछताछ में दोनों तरफ की जानकारी आई है कि कोई एक जिससे लड़की है, जिससे दोनों ही बात किया करते थे और उसी बात को लेकर के इनके बीच में कुछ रंजिश थी और ये कृत्य किया इन्होंने। जो घटना में शामिल कार है वो भी बरामद कर ली जाएगी अभी, और जो शेष बचे हुए तीन लोग और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ये मोहम्मद हासिर है, भतीजा है मेरा, इनके पापा ज्ञानपुर में सर्विस करते हैं। आज सुबह इसको करीब कुछ दामोपुर के लड़के उठा ले गए थे, काफ़ी मारा पीटा, उसको नंगा करके इसकी वीडियो बनाई गई है। कहा है कि अगर पुलिस के पास गए तो तुमको और तुम्हारे भाई को दोनों को मार डालेंगे हम। काफ़ी लड़का काफ़ी दहशत में है, डरा हुआ है। कितने घंटे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में? चंगुल करीब 3 घंटे चंगुल में था ये, और काफ़ी मारा पीटा उसको है, धमकी अलग दिया गया है। ये दामूपुर के हैं, कोई अली करके। किसी चीज़ का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, पढ़ने वाले बच्चे में विवाद क्या था। यहाँ ना तो यहाँ पढ़ते हैं जो बच्चे उठा ले गए, ना कुछ क्रेटा से उठा के ले गए थे। जिसका क्रेटा का नंबर क्रेटा में पड़ा हुआ तो बाइक का नंबर पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चेक किया, वो बाइक का नंबर पड़ा हुआ है। उसके बाद ले गए इसको दामूपुर में मारे पीटे हैं और सांसद जी के घर के पास चकिया पे ला के फेंक दिया है। मार के उसको फेंक दिया और काफ़ी चोट लगी हुई है इसकी। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को हमने 112 में बेटे ने मेरे सूचना की, मैं बाहर था, मैं भाग के आया हूँ, तब यहाँ काफ़ी प्रशासन ने मदद की। उसके बाद बच्चे का खुद फ़ोन आया कि हमको फला जगह इन्होंने ला के फेंक दिया है। क्या नाम है? तनवीर अहमद।